रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कल हमने इसके बारे में देखा था। एक बार आप चेक कर लेना, आवाज आ रही हो गई। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आज हम लेंगे इसका इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब समझते हैं आप लोग? समझते हैं या नहीं? क्या होता है बताइए? कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसमें कुछ ना कुछ चेंज करना, ठीक है, उससे कोई और सीक्वेंस बनाना, उससे कोई और प्रोडक्शन बनाना, ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब। ठीक है, डेफिनेशन लिखिए इसकी। एनी म्यूटेशन एंड एनी चेंज इन जीनोम ऑब्लिक जेनेटिक मटीरियल ब्रैकेट में डीएनए आरएनए नोन एज जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अ टेक्निक टू क्रिएट। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? अ टेक्निक टू क्रिएट एनी म्यूटेशन एंड एनी चेंज इन जेनेटिक मटेरियल और जीनोम। ये जेनेटिक मटेरियल ह्यूमंस का भी हो सकता है, बैक्टीरिया का भी हो सकता है, वायरस का भी हो सकता है, प्लांट का भी हो सकता है, पैथोजेंस का भी हो सकता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीनोम के अंदर या जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई म्यूटेशन क्रिएट करना, कोई चेंज करना क्या कहलाएगा? जेनेटिक मॉडिफिकेशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग। लिख लिया ये? अच्छा, जेनेटिक टर्म्स जो है वो किसने सबसे पहले यूज की थी, इसके फादर कौन है और जेनेटिक का मतलब क्या होता है, जानता है आप में से कोई? आप में से कोई जानता है जेनेटिक्स का मतलब? जेनेटिक्स के फादर कौन है जानते हैं आप लोग? पूरा नाम क्या है? क्या करते थे वो? अच्छा, मतलब ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया आपने?
जेनेटिक्स ग्रीक वर्ड है, जीन का मतलब होता है टू ग्रो इनटू। टू ग्रो इनटू का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज के अंदर ग्रो करना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो करना, वो कहलाता है जीन। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉर्ज मेंडल। ठीक है, और फर्स्टली जेनेटिक्स टर्म किसने यूज की थी वो आपको पता है? इन 1951 जेनेटिक टर्म यूज्ड बाय, ये जो मेंडल थे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? पी, जो मटर है उस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और इन 1951 जेनेटिक टर्म यूज्ड बाय जैक विलियमसन। ठीक है, जैक विलियमसन ने सबसे पहले जेनेटिक टर्म का यूज किया था 1951 में, और जेनेटिक्स के फादर है मेंडल। कर लिया आप लोगों ने नोट डाउन? अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि फादर कौन है जेनेटिक्स के, तो क्या बताएंगे? आंसर दीजिए मेरे को। फादर ऑफ जेनेटिक्स और टर्म किसने यूज की थी जेनेटिक्स? ओके, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए अपनी। अब अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? कल हमने बताया था, बताइए क्या होती है? बताइए, आदित्य पेज मत पलटिए, मुझे आंसर दीजिए। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि दो जीन को एक साथ मिला देना, दो डीएनए को एक साथ मिला देना रिकॉम्बिनेशन हुआ है ना? अच्छा ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन लिखिए। A technique to make and develop two new DNA recombination
बाय एडिंग जॉइनिंग एंड कंबाइनिंग, कंबाइनिंग टुगेदर टू डिफरेंट ठीक है, एक ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा हम डीएनए का रिकॉम्बिनेशन बनाते हैं। कैसे? या तो डीएनए के साथ में हम कोई दूसरे स्पेसीज के डीएनए को जोड़ते हैं, उसके साथ में उसकी जॉइनिंग करवाते हैं या उसका कॉम्बिनेशन करवाते हैं। ठीक है, तो उससे हमें नया जो डीएनए मिलता है वो कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, टू क्रिएट एंड डेवलप अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अ न्यू डीएनए बाय joining two different species DNA, ठीक है? अब अपन इसके बारे में पढ़े कि हमको recombination DNA किसने बना के दिया, ठीक है? In 1972, Paul Berg created recombinant DNA by monkey virus SV40 एंड का मतलब इन दोनों को कंबाइन किया था उसने, SV40 प्लस लैम्डा वायरस। लैम्डा फेज, ठीक है, SV40 एंड लैम्डा फेज के डीएनए को मिला के सबसे पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया वो 1972 में पॉल बर्ग ने बनाया। सेकेंड क्या यूज था इसका? सेकेंड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से हम एंटीबायोटिक का सिंथेसिस कर सकते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकते हैं, ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर्स का सिंथेसिस कर सकते हैं, ह्यूमन इंसुलिन का सिंथेसिस कर सकते हैं। इसीलिए 1973 हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनले कोहन क्रिएटेड अ बैक्टीरिया विद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बाय आरडीएनए। ठीक है, फर्स्ट यूज जो हमारा आरडीएनए का हुआ था वो बॉयलर एंड स्टेनले कोहन ने किया था 1973 में। क्या यूज किया था उन्होंने? एक बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक जीन को ग्रो किया था, इसीलिए उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरियल सेल बनाई। ठीक है, फिर क्या हुआ? इन 1974 फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल माउस क्रिएटेड
introduce genetic material in embryo. ठीक है, 1974 में ट्रांसजेनिक माउस बनाया गया. कैसे बनाया गया? कि माउस के एम्ब्रियो के अंदर कोई फॉरेन डीएनए या फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को डाला गया जिसमें कोई रेजिस्टेंस था और वो ट्रांसजेनिक माउस बना. ठीक है, 1975 ह्यूमन इंसुलिन ये बनाया था रोडोल्फ जेंसेट. ठीक है, रोडोल्फ जेंसेट ने इसको बनाया था. ह्यूमन इंसुलिन का सिंथेसिस हुआ 1980 में. जीएमओस बने. जीएमओस का मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है प्लांट्स. एंड 1986 फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया गया. जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को यूएसए हाई कोर्ट ने पेटेंट कर दिया. ठीक है, और फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट 1986 में बनाया गया बाय यूएसए. तंबाकू के प्लांट को फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया था टोबैको प्लांट. ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल बनने शुरू हो गए, ट्रांसजेनिक प्लांट बनने शुरू हो गए, ह्यूमन इंसुलिन बनना शुरू हो गया. इन सब के अंदर जो टेक्निक यूज होती है वो क्या होती है? रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्निक. और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? दो डिफरेंट स्पीसीज के डीएनए को या तो कंबाइन करके उसका रेप्लिकेशन करना या फिर उसका अधिक से अधिक क्लोनिंग करना. ठीक है, ताकि हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ सके, ट्रांसजेनिक प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ सके. ह्यूमन इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट के लिए काम में लिया जाता है. ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए काम में लिए जाते हैं. और रिकॉम्बिनेशन टेक्निक हमारे डिजीज को क्योर करने के काम में ली जाती है, जीन थेरेपी के काम में ली जाती है, पीसीआर के काम में आती है. अब हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली. अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? इसके मेथड्स. और मेथड से पहले मैं इसके जो टूल्स है उसके बारे में बताऊंगी आपको. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स कौन कौन से होंगे आप बता सकते हैं मेरे को? कल मैंने बताया था. बताइए, कौन
कौन से टूल्स हैं जो हमारे रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए में मदद करते हैं? और सब पढ़ने से बदल बदल के बता रहे हो, ठीक है। सबसे पहले हमारा टूल क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल, दैट इज द डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कहां पाया जाता है? ये एक सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये पाया जाने वाला डीएनए है। सेल ठीक है, यूकैरियोटिक सेल का डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और प्रोकैरियोटिक का सिंगल स्ट्रैंडेड। देन दूसरा टूल क्या होगा? डीएनए हमारे पास है, उसके बाद में दूसरा क्या चाहिए हमको? और जेनेटिक मटेरियल का हम क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट आइसोलेशन एंड सेकेंड इज प्यूरिफिकेशन, ठीक है। सेकेंड जो होगा वो होगा एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या काम आते हैं? एंजाइम्स हम लोग अच्छे से जानते हैं, या तो किसी रिएक्शन को सिंथेसिस करने में मदद करते हैं या किसी रिएक्शन की रेट को बढ़ाने में मदद करते हैं, लेकिन यहां पे एंजाइम्स क्या काम करते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स का, यानी डीएनए के दो पार्ट करने के काम आते हैं। इनको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स के नाम से भी जानते हैं। दो एंजाइम होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड लाइगेज, ठीक है। लाइगेज एंजाइम जो होता है वो क्या काम आता है? बाइंडिंग ऑफ डीएनए, एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। एंजाइम्स मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जाना जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग के लिए, लाइगेज एंजाइम बाइंडिंग के लिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस एंड सेकेंड इज एक्सोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एंड एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे इसमें? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, ये जो होंगे कट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होंगे वो डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से काटेंगे, इसीलिए हम इस एंजाइम को यूज करते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं? सेकंड स्टिकी एंड
देते हैं हमको, ठीक है। और हमें डीएनए के लिए क्या चाहिए होता है, रिकॉम्बिनेशन के लिए स्टिकी एंड, जिससे हम दूसरा डीएनए इजीली उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सके, इंट्रोड्यूस कर सके या इंसर्ट कर सके, ठीक है। एग्जाम्पल इको आर आई, इको आर आई का मतलब क्या है, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाला गया है वो इकोलाई से निकाला गया है, एंड रेस्ट्रिक्शन यानी आर फॉर रेजिस्टेंट एंड आई फॉर फर्स्ट स्ट्रेंड, फर्स्ट इकोलाई के पहले स्ट्रेंड से निकाला गया एंजाइम जो है वो फर्स्ट स्ट्रेंड है, तो फर्स्ट आएगा, आर फॉर रेजिस्टेंट, ई फॉर एस्टरेशिया स्पेसीज एंड कोलाई फॉर जीनस। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें जो शुगर पाई जाती है उसके पाइप कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, इसीलिए उसको डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और वो बनके किन से बना होता है, एडिनिन थायमिन साइटोसिन गुआनिन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और शुगर। और ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये किसको कट करते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को। अगर वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बिल्कुल एंड पे जाके कट करते हैं तो स्टेगर्ड एंड बनते हैं, और अगर वो मिडल में कट करते हैं तो स्टिकी एंड बनते हैं। और स्टिकी एंड क्या काम आते हैं हमारे, हम लाइगेज एंजाइम को उनके साथ में मिलाकर, दूसरा डीएनए मिलाकर उसके साथ में बाइंड कर देते हैं, और वो डीएनए इजीली उसके साथ में बाइंड हो जाता है, क्योंकि वो एंड स्टिकी होते हैं, वहां पे कुछ बेस पेयर मिसिंग होते हैं जिससे कि दूसरा डीएनए का बेस पेयर वहां पे जाके बाइंड हो जाता है। लाइगेज एंजाइम का ज्यादा कोई रोल नहीं है, लाइगेज एंजाइम क्योंकि हम डीएनए को जोड़ने के काम में लेते हैं इसलिए इसको डीएनए लाइगेज एंजाइम भी कहते हैं, और ये बाइंडिंग ऑफ डीएनए के काम आता है। सबसे ज्यादा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का स्ट्रेन